हम जा रहे हैं सेंटोसा आइलैंड। केबल कार मतलब जहाँ पे केबल चलती है, टीवी जहाँ पे आता है। गरीब लोगों के ना चीखों की आवाजें आना शुरू हो गई, मुझे लग रहा है कि आगे कुछ खतरनाक होने वाला है। एक बड़ा सा डब्ल्यू, अरे भी आँख खजाना हो सकता है। मैं लेके जाता हूँ 360 व्यू दिखाता हूँ सिंगापुर का। यहाँ 360 ये क्या है? इससे अच्छा तो हमारा वहाँ पे टावर होता है कोई। ये क्या है? रोनाल्डो से मिलो जाके। अब आ गए हैं हमारे राहुल, हमारे फेवरेट किंग खान, लियोनार्डो डिकैप्रियो। खूबसूरत है कि मैं आपको यहाँ से दिखा सकती हूँ। फुल बारिश का माहौल है, दिन बारिश के साथ हमारा स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे बारिश हर 2 मिनट बाद होती है, हर 2 मिनट बाद होती है। और बिल्डिंग्स भी अच्छी खासी है। अच्छा, रात में आए थे पता नहीं चला, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रीनरी है। इजी वे में समझ लें कि इस्लामाबाद आ गए हम। हाँ 8 बजे सब सो जाते हैं। हाँ, प्रॉपर ग्रीनरी, प्रॉपर सफाई, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा है। और आप सोचोगे कि आज हम लोगों ने गाड़ी से क्यों स्टार्ट किया। भाई आपको कहानी थोड़ी सी छोटी सी सुना देती हूँ। हम लोग सुबह आराम से उठे, हमने कहा यार पूरे दिन के लिए हमारे पास ड्राइवर होंगे, हम लोग घूमते फिरते रहेंगे। हुआ कुछ यूं कि वो आए, उन्होंने कहा कि अगर आप 5 मिनट में नीचे ना आए तो मैं आपको यहीं पे छोड़ के चला जाऊंगा। हम जैसे थे उठ के वैसे ही नीचे आए। मैं तो खैर, मैंने तो अपना निकाले हुए थे कपड़े रात में ही, तो मैं पहन के आ गई। मैंने कहा यार हल्का फुल्का मेकअप करते हैं और निकलते हैं। तो खैर हम अब निकले और अब हम जा कहाँ रहे हैं? हम जा रहे हैं सेंटोसा आइलैंड। सेंटोसा आइलैंड क्या होने वाला है ये तो मुझको भी जाके पता चलेगा और आप लोगों को भी। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अभी हम लेट्स गो होते हैं। ट्रैफिक यार भाई सिंगापुर में भी, यहाँ पे भी अच्छी खासी ट्रैफिक है। पहुंच चुके हैं उस जगह पे जहाँ पे हम लोगों ने आना था। अब हमें यहाँ से खुद समझ नहीं आ रही है कि हम लोगों ने कहाँ को जाना है, किधर को जाना है। अरे यहाँ पे सबने अम्ब्रेलास पकड़े हुए हैं, बच्चे से बच्चे, बड़े से बड़े ने। मतलब यहाँ पे अम्ब्रेलास इसलिए क्योंकि हर 2 मिनट बाद बारिश हो जाती है। ये है जी एडवेंचर कोव पार्क, इधर गवर्नमेंट पार्क है, सेंटोसा एक्सप्रेस है हम लोगों ने। अच्छा, यूनिवर्सल स्टूडियोज भी इधर है, सी एक्वेरियम भी। तो अभी फिलहाल हम यहाँ आए हैं। तो ये वो जगह है जहाँ पे हम लोगों ने टिकट्स कलेक्ट करनी है, सेंटोसा टिकटिंग रिजॉर्ट वर्ल्ड स्टेशन। अब आई डोंट नो आगे के, यहाँ पे तो भाई खैर बारिश बारिश अच्छी खासी हो रही है। मुझे था कि ये इंडोर सीन है, लेकिन ये इंडोर की जगह आउटडोर ही सीन है, लेकिन कुछ जगहों पे शैडोज हैं, लेकिन पानी फिर भी कहीं ना कहीं से घिर जाता है। ट्रेन वन स्टॉप इंबिया स्टेशन। ये ट्रेन लो, पहले स्टेशन पे उतरो। अच्छा, फिर वहाँ पे जाओ केबल कार वाली जगह पे। यहाँ पे तो बस भी जो है ना इनकी पिंक कलर की है। ये रो है हमारी, हमने वीवो सिटी जाना है या इंबिया जाना है? आई थिंक हमारा इंबिया स्टेशन है। 400 स्टेशन है इस जगह पे, ऐसे लेंस बनी हुई है, आधे स्टेशन वाले वहाँ जा रहे हैं, हमारी बसेस यहाँ से आएंगी। अरे भी हमारी है yes. ये पिंक क्यों नहीं है? क्योंकि येलो है। उनकी पिंक थी, वो पिंक है, हम येलो हैं। चलो जी यहाँ पे बारी बारी सब जाएंगे, अच्छी सी सीट सेलेक्ट करते हैं। आपको अंदर से दिखाती हूँ ये बस दिखती कैसी है। तो ये बस इस तरह से दिखती है, बैठने को बहुत कम जगह होती है बट मैनेज करना पड़ता है। A few moments later. बस से निकल के अभी एक और जगह पे पहुंच गए हैं, जिस जगह की मुझे खुद समझ नहीं आ रही, लेकिन वहाँ पे अब टिकटिंग हो रही है। ठीक है, केबल कार का डायरेक्शन हमको मिल गया है, अब हम सीधा पहुँचते हैं केबल कार में। मुझे बड़ा मजा आने वाला है। अरे केबल कार मतलब जहाँ पे केबल चलती है, टीवी जहाँ पे आता है। ओ अच्छा, स्टार प्लस चलता है। चले निकलते हैं केबल कार की तरफ और आपको दिखाते हैं। चेक करो यार यहाँ पे हम लोगों ने बैठना है, अभी ये राइड्स हैं। लेट्स सी कैसा एक्सपीरियंस रहता है। यहाँ पे जो है ना वो स्कैन हुआ है और अब हम पहुँचेंगे अपने केबल में। हेलो हेलो
अच्छा, पूरी केबल कार मैंने तुम्हारे लिए बुक करवा ली है। अच्छा, पूरी केबल कार तुम्हारे लिए बुक कर, ऐसे 8 लोग बैठते हैं। मैंने कहा जरा मैं अपने हनीमून पे हूँ तो एक का फोटो तो जरा एंजॉय करो आज, ठीक है? तुम देखो सिंगापुर यहाँ बैठ के एंजॉय करो, जरा तुम्हें साइट सीइंग करवाऊं, प्रोटोकॉल पूरा दूंगा। ओके डन। अच्छा लगा? यस। मैंने तो भाई दो भाई करवाया था, कोई आया ही नहीं। इतना चिल्ला के ना, ये लड़का इतना चिल्ला के, बस ये बहुत चिल्ला के। चेक करो यार। अच्छा, बस ऐसे घूमते रहना बस। नहीं, मैं इसको कहता हूँ नीचे गिरा दे। अच्छा है कि बस बहुत स्लो है, साइड सीइंग है ना ये, यानी कि देखो सिंगापुर देखो। अच्छा ये गाइस, ये मैं आपको वैसे दिखा देती हूँ, ठीक है? आप लोगों को ना ये स्पेशल यहाँ आके बुक कराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको कैमरे से दिखा देती हूँ कैसा दिखता है, ये देखे। लोगों ने कहना हाँ बस ठीक है तुम दिखाई जाओ, हमने कहीं और नहीं जाएंगे। वाह इकड़ा वाह, वो देखो हमने वहाँ जाना है। अच्छा वो, ओह माय गॉड, ठीक है जी। Soy tortolito no queda bien ver, por de tus amigas diciendo que no han, que no esto se ha durado, que sea algo sincero que un perro no. चलो इकड़ा, बस हो गया पूरा, आ जाओ खोल के आप चले। तो बस चलो, बस यही था साइड सीइंग, और क्या करना है। अभी क्या है, बस वो स्टेशन पे रुक रहे हैं। ये तो ऐसे रोकते रहे तो ऐसे लग रहा है मैं बस में सफर कर रही हूँ, मुझे तो कोई फील नहीं आ रही। जब ऊपर जाएंगे तब मजा आएगा। नेचुरल खूबसूरती भाई ये है, इसमें हम लोग ऐसे ही बस घूमने वाले हैं, साथ साथ आपको सिग्नल भी दिखाते जाऊंगी। अरे लोगों के ना चीखों की आवाजें आना शुरू हो गई, मुझे लग रहा है कि आगे कुछ खतरनाक होने वाला है। चेक करो, मुझे लग रहा है बच्चे अभी चीखे मर जाए। नहीं नहीं वो देखो, मैं डर गया, मैं क्या हुआ है, मैं कह रही हूँ ये पता नहीं ये शो दिखा रहे हैं क्या है, कुछ तो होने वाला है, मैं बता रही हूँ इतना स्लो नहीं होएगा ये। बच्चे शुगर लगा रहे हैं मेरे ख्याल से, और कुछ भी नहीं है। हाँ पता लगे 2 मिनट बाद हमारा अपना शुगर निकला हुआ। गाइस यहाँ पे ना कुछ भी नहीं था, हम लोग बस निकल रहे हैं यहाँ से क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आया। तो ये बीच है, यहाँ से हम बीच पे जा सकते हैं। अभी हम बीच पे जाने लगे क्योंकि ये तो खाली फिरा ही जा रहा है बस। कितना खूबसूरत आईलैंड है, बहुत प्यारा है यार, बीच बहुत खूबसूरत है। सरप्राइज है तुम्हें, मैंने ये बुक करवाया तुम्हारे लिए। अब जहाँ जहाँ अभी खुद इसको पता नहीं है कि कहाँ कहाँ क्या होने वाला है, बस जो अच्छा हो रहा है ये सरप्राइज था। अरे बड़े चलाक हो गए हो यार आप। फाइनली यहाँ पे हम लोग बीच पे पहुँच चुके हैं। चलो जी गाइस, बीच से तो हम लोगों ने एंजॉय कर ली, बड़ा मजा आया, पिक्चर्स बनाई। अब यहाँ से जा रहे हैं। अच्छा वो जो केबल कार थी वो इतनी मजे की नहीं थी, बस वो बड़ी ऐसे ड्रैगी ड्रैगी थी। बीच में हम लोगों ने अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। मैं जाता हूँ 360 व्यू दिखाता हूँ सिंगापुर का। सिंगापुर का 360 व्यू मतलब सारी साइड से। स्पेशल तुम्हारे लिए बुकिंग करवाई है सारा। अब फिर सारा अभी देखना ये पहले। बीच तो हम थाईलैंड में भी देख के आए हैं। हाँ, तो इतने फैसिनेट नहीं किया बीच ने हमें, बीच ने नहीं किया। हाँ। तो अभी वहाँ चलते हैं, वहाँ जाके देखते हैं वहाँ क्या सीन है। अच्छा गाइस, यहाँ से जाते जाते ना मुझे ना एक चीज नजर आ गई, अब सोचे वो क्या, एक बड़ा सा W, वो देखो भाई, ये देखो तो ये देखो M, एक बड़ा सा M, उसके नीचे खजाना। अरे भी यहाँ खजाना हो सकता है वैसे, मुझे वो मूवी थी ना एक। हाँ अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पे आइसक्रीम खाने के लिए। तो जी ये मेरे लिए, ओह माय गॉड, ये तो उन्होंने कोकोनट के अंदर नहीं देनी थी, ये पकड़ो ये ऐसा नहीं रखनी होती। अच्छा ये कोकोनट का ही वो है बनावा, और ये कोकोनट से बनी हुई आइसक्रीम है, प्योर वेगन है। आइसक्रीम हमने ले ली थी, ये क्या अरीब, नीचे आने के लिए उन्होंने सीढ़ियां लगाई हुई, ऊपर जाने के लिए उन्होंने डायरेक्ट ये क्या है, लग रहा है कि हमने कहीं और से जाना है। हाँ मुझे भी यही लग रहा है क्योंकि ये ऐसा तो नहीं हो सकता ना पॉसिबल। यहाँ पे आप लोग सिर्फ रश चेक करें, अस्तग़फ़िरुल्लाह, इसलिए। और आने वाली जगह देखो अरीब कितनी खाली है। चलिए जी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है? ये यहाँ पे ऐसा लग रहा है यहाँ पे समुद्री लड़ाई होने लगी है, सारे जहाज जा रहे हैं। तो जी हम लोग वहाँ से आ गए थे, अब वो जगह देखते हैं जहाँ पे अरीब साहब कह रहे हैं कि 360 एंगल से हमें सिंगापुर दिखाएंगे। सामने तुम्हारी जगह, ये देखो कौन सी, ये ऊपर जाएंगे और यहाँ 360। ये क्या है अरीब, ये क्या है, इससे अच्छा तो हमारा वहाँ पे टावर होता है कोई, ये क्या है? मैंने भी सोचा कुछ और था, ये हो कुछ और ही है। ये वाकई में क्या है अरीब, ये क्या है,
इससे बड़े तो एंटीने लगे होते हैं हमारे छतों पे यार। जाके एक्सपीरियंस तो करते हैं, अब टिकट लिए चलें जी। हमें हमारे सीट नंबर्स मिल चुके हैं और ये है जी जहाँ पे हमने 360 एंगल, ये जो डबल स्काई हेलिक्स इसको बोलते हैं, मतलब इससे मुझे बायोलॉजी में पढ़े हुए आरएनए एंड डीएनए की याद आ गई, क्योंकि वो डबल हेलिकल एंड सिंगल स्टैंडर्ड एंड डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो मैंने ये करवाया तो मैं ताकि डीएनए की याद आ जाए। अरे बस कर दो यार, बस कर दो। जाएंगे, बड़ा अच्छा व्यू है, तुम हल्के में ले रही हो, मजा आएगा। तो ये गुब्बारे वाला स्ट्रक्चर है, बेसिकली हमें उड़ा के ऊपर ले जाएगा। ये वाला सीन नहीं है, ये ऊपर जाएंगे हम आसमान में। अच्छा जी, ये जितनी सी उसके डंडे है ना उतने तक ही जाएंगे। हॉट एयर बलून है। हाँ, हॉट एयर बलून, नकली वाला हॉट एयर बलून। इतना सा भी बैठ के चेक करते हैं, बताती हूँ मैं आपको। टू वन आसमान पे जा रहे हैं, स्लो मोशन में। यार अभी भी उसी की तरह कर रहा है जैसे वो केबल कार कर रही थी हमारे साथ। ओ माय गॉड, बारिश स्टार्ट हो गई है यार। ये स्पेशल मैंने तुम्हारे लिए करवाया कि ताकि तुम एंजॉय कर सको बारिश भी। धुंध है लेकिन फॉग है। सर्दी भी लगना स्टार्ट हो गई है और बारिश भी लग रही है। वो कह रहा है हम सिर्फ 10 मिनट यहाँ पे स्टे करेंगे। बहुत है यहाँ पे, क्या हमने क्या जंगल नहीं। अरीब को तो इस बात पे बहुत ही ज्यादा शाबाश मिलनी चाहिए, बिकॉज मैं जो एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये इस तरह का होगा, इस तरह का होगा, ये बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा मेरा यहाँ पे, बहुत मजा आया। थैंक यू। अब हम वापस जा रहे हैं नीचे, अब तुम्हें एक और जगह लेके जाते हैं। वो भी अच्छी होगी, कंफर्म। बस अब तो मुझे यकीन हो गया कि अब अरीब जहाँ भी लेके जाएंगे वो अच्छी होगी, डिफरेंट एक्सपीरियंस था, मजेदार। थैंक यू। तो जी फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मैडम तुसान, जहाँ पे जो है वो हम लोग जाके मिलने वाले हैं अपने फेवरेट सेलिब्रिटी से, क्योंकि यहाँ पे इनके वैक्स स्टैचूज होते हैं विच आई नो, और मेरे जो फेवरेट एक्टर्स हैं क्या उनके स्टैचूज यहाँ पे हैं। वैसे हम लोग ने सोशल मीडिया पे देखा है स्टैचूज के साथ अदाकार अपनी पिक्चर्स लगा रहे होते, तो अभी जाके हम उन सबके स्टैचूज देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। अभी आपको क्या लगता है कि सबसे पहले कौन उनसे मिलेगा? इंतजार कर रहे होंगे हमारे सब। हाँ, सब हमारा। हाँ, finally we entered here. Oh, कभी भी करण जौहर, hello. Oh, जब we met यार करण जौहर भाई के गले मिले यार। मोबाइल में सेल्फी ले रहे हैं। थैंक यू. वरुण धवन आ गए। अरे वरुण धवन कह रहे हैं ऊपर देखो, ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। ओए वो देखो गाइस, ये देखें, ये हम आ रहे हैं, हम भी यहाँ लगे हैं। ओए अब सिंगापुर देखा। ओह प्रोटोकॉल, ये मेरी तरफ से आपके लिए सरप्राइज था। इमेजेस ऑफ सिंगापुर यहाँ पे, ठीक है जी। यहाँ पे कोई कल्चरल सी चीजें हैं और साथ ही साथ आपको मैं दिखाती चलूँ। यहाँ पे ना कुछ बड़ा अरीब, मैं भूत बंगले में नहीं आई थी जो आपने मुझे डरा दिया। व्हाट इज दिस, ये क्या है? लोगों को ना पुरानी जिंदगी के कैसे क्या सब वो दिखाया है उनको, कैसे किसान खेती बाड़ी करते हुए। मीनेस्ट पर्सन। अब हम लोग वही यहाँ से लगे हैं निकलने। अब मत मुझे डराना प्लीज। एग्जिट हो गया यहाँ से हमारा। यहाँ पे भी है कुछ। ओहो मुझे लगता है अरे भी उनका कि कैसे उनका ओरिजिन स्टार्ट हुआ, उनका किस तरह से कल्चर था, मैं आपको दिखा डाउन टू द वाटर। ये देखो गेट अ जॉब, इस तरह से देखते हैं कि अगला वे हमारा कौन सा होगा। अरे भी हेलीकॉप्टर तो देखो, आधा आधा टूटा हुआ है, कटा हुआ, मजे का बना हुआ। अब हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं और एक लड़के को लग रहा है कि वो मुझे डराएगा और मैं डर जाऊंगी। क्या मैंने इतना पागल समझा हुआ है।
हर कॉर्नर में छुपोगे मैं डर जाऊंगी। यहाँ पे तो बोट भी है, मतलब ये बोट हम लोगों को कहाँ से जाएगी? अब यहाँ से बोट पे हम कहाँ जा रहे हैं मैं आपको दिखाती हूँ। अभी तो अंधेरा है, बोट तो जाहिर है बोट ने कहाँ चलना है बताया। अच्छा बड़ा मजे का है वो देखो। Oh my God, ये कितनी खूबसूरत वो है स्कल्पचर। क्या है ये? लाइन इनका साइन है, नीचे से फेस है, ऊपर से लाइन है। ये कैसे? ये वाह, आपने पोएट्री किया है। ये इनका साइन है, नीचे से फेस ऊपर से लाइन है। वाह वाह, ये इनका साइन है। एंड दिस इज कल्चरल लाइट्स हियर। ये लाइन है, लाइन में इनको कुछ कहते हैं। अच्छा, बस एक ही चक्कर था, नया कल्चर देखने को मिल रहा है, नई चीज़ें एक्सप्लोर करें। अभी यहाँ से हम निकलेंगे, अब फिर देखते हैं हम कहाँ जाते हैं, कहाँ को हमें रास्ते लेके जाते हैं। बराक ओबामा इज हियर। ये कौन है? ये चाइना के? नहीं, ये मुझे नहीं पता बिल्कुल। और ये है जी हमारी क्वीन एलिजाबेथ। वाओ, बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा है। अरीब अरीब, मेरी यहाँ पे एक फोटो इनके साथ बना लें। रोनाल्डो से मिलो जाके, अब यहाँ में तो पिक्चर बनती है भाई। यहाँ पे इंडियन क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर हैं। वो नहीं है, तेंदुलकर है। तेंदुलकर ये बास्केटबॉल का प्लेयर है ये। अच्छा, अरे यहाँ पे शाहिद अफरीदी, इमरान खान भी नहीं, इमरान खान भी नहीं है, क्यों पता नहीं। और ये सरीना विलियम्स है। ओके, ये गोल्फ का है, टाइगर समथिंग करके, मुझे उसका नाम पूरा नहीं आता। ओके, कोहली से यहाँ मिलते हैं भाई। टाइगर वुड्स, वुड्स ये कोहली साहब है। यार ये बड़े अच्छे फाइटर, मैंने इनकी अगर इसका नाम बताया, नाम नहीं याद। नहीं, एक चेन, चेन टाइप है, जैकी चेन। बताया मुझे जैकी चेन, मेरे अब्बा मुझे इसकी मूवीज हम लोग देखते थे। नहीं, अल्लाह मैं अल्लाह अल्लाह मैंने नहीं पढ़ा कहीं पर भी। जैकी चेन है यार। इकरा ये कौन है? लेडी गागा है। हां जी, लाओ इकरा, तुम्हें माइकल जैक्सन से मिला है। जी आ गए हैं हमारे राहुल, हमारे फेवरेट किंग खान, शाहरुख खान। अच्छा, ये कितना अच्छा बनाया, सबसे अच्छा शाहरुख बनाया हुआ है, उसने बनाया हुआ है। हां, ही इज किंग खान फॉर अ रीजन। यार आई एम बिग फैन ऑफ हिम। अलग बनाया हुआ है। और दूसरा मुझे ये बहुत पसंद है भाई, काजोल ने इनकी लुक जनरेट की थी एक्चुअली राहुल, तो मुझे अपनी वो वाली पिक्चर मेरी और इनकी मेमोरी है हमारी। लियोनार्डो डिकैप्रियो, ओ प्रियंका भी है। वाह यार, माय फेवरेट एक्टर। और लेकिन एक और भी फेवरेट एक्टर है, जॉनी डेप। यहाँ पे शो होने लगा 4D, हम वो देखने जा रहे हैं, तो अब निकले वहाँ पे। और गाइस, अब हम जा रहे हैं मार्वल का 4D शो देखने के लिए, देखते हैं कैसा होता है। ग्लासेस मिल रही है हमें, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। ये तो हमें ही दिखेगा, लोगों को कैसे दिखेगा। यहाँ भी शो में यहाँ पे सारे लोग बैठे हैं, मैं भी बैठी हूँ। देखते हैं फिर बताते हैं कैसा। हाँ जी, फिर कैसा रहा एक्सपीरियंस? मजा आया, 3D नहीं था, 4D था। 4D था, मजे का एक्सपीरियंस था, यानी कि पानी फेंक रहे थे मुंह पे। अच्छा, जो मार्वल फैन था ना, उनके लिए बड़े मजे का एक्सपीरियंस था। मुझे, मैं मार्वल फैन हूँ, तो अब यहाँ से निकले। अब हम निकलने लगे हैं इसी केबल कार में वापस, जहाँ से हम आए थे, ताकि हम लोग वापस जा सके भाई। इसी बस ट्रैवल करना पड़ता है आपको, जिस जिस डिफरेंट स्टेशन बने हुए वहाँ पे जाना पड़ता है। हम लोग अपने ओरिजिन पे, लाइक जहाँ से हमने स्टार्ट किया, वहाँ वापस जा रहे हैं। चले जी गाइस, अब हम लोग निकलने लगे हैं वापस अपने घर को, अपने होटल को, और गाड़ी का वेट कर रहे हैं, मैंने सबसे ज्यादा एंजॉय किया है। इस व्लॉग को जो है ना, वो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, स्पेशली दुआओं में। बाबा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।